वेलकम बैक ब्लेडर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी की वजह से मैं भी हमेशा की तरह बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो में बैटल गम एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अपने डीबी बेब्लेट्स की हटा दिए हमने डिस्क, तो उसके बाद जो बेब्लेट निकल के आए हैं वो दिखने में है कुछ ऐसे। तो इसमें इनकी हमने डिस्क हटा दी है, बाकी सब कुछ है। सो, अब पता नहीं कि इनकी परफॉर्मेंस किस टाइप की होगी, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये इनका बर्स्ट होना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हिटिंग पॉइंट ऐसा नहीं है जो सामने वाले बे को क्लिक पे लेकर आए। तो देखते हैं कैसी होती इनकी परफॉर्मेंस। इनकी आपस में ही बैटल करेंगे और कुछ बर्स बेस से ही बैटल करके देखेंगे। तो फटाफट से करते हैं लेट इट रिप, लेकिन उससे पहले इंट्रो तो लगा दो ब्रदर। So, पहले हमारे स्प्रिगन को ट्राई करके देखेंगे विदाउट डिस्क स्प्रिगन। तो भाई ये इसका थोड़ा सा ड्राइवर जो है वो टूटा हुआ है, क्योंकि ये मिडफेक वाला है, मिडफेक नहीं सॉरी पूरा फेक फ्लेम ब्रांड का है ये। सो करते हैं इसको लॉन्चर के अंदर फिट और 3, 2, 1 और लेट रिप। तो पहले फोल्डर नंबर सामने करके देखते हैं। तो भाई अब इनका वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। डिस्क भाई काफ़ी मैटर करती है वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि डिस्क का ही वेट काफ़ी ज़्यादा होता है किसी बे के अंदर। बाकी हाँ काइंड ऑफ सिमिलर कह सकते हैं इनका वेट, बट फर्स्ट राउंड जीता है हमारा बॉल्डर बम्पर बाइट। तो और भाई एक सेकेंड फाइनल क्लिक पे लेकर आ गया था, तो बर्स्ट होते होते रह गया हमारा बॉल्डर बम्पर। तो कोई नहीं, एक बार दूसरे बेस पे करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत न को। सो 3, 2, 1 एंड लेट इट रिप। और यहाँ पे गाइस लॉन्च होने से पहले वो अपने आप ही गिर गया, और भाई हमारा क्राइस्ट सेटोन बर्स्ट हो गया। रुको मैं ढूंढ के आता हूँ उसके चीथड़े। 1 hour later तो भाई क्राइस्ट सेटोन के तो पार्ट्स ही गायब हो गए उड़ के। तो कोई नहीं, दूसरा बेब्लेड लाते हैं कोई। तो किलर साइडर से करके देखते हैं। सो 3, 2, 1 एंड लेट इट रिप। तो भाई इस बार ये उड़ गया, ये वाला बेब्लेड भाई बहुत ही डिसबैलेंस है। तो इसको हटाते हैं भाई, दूसरा लाते हैं जो कि है हमारा साइक्लोन रैग्नारोक। तो देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। ये तो भाई काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है, क्योंकि इसका ड्राइवर भी एज यू नो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। सो 3, 2, 1 एंड लेट रिप। और क्या लगता है गाइस जीत पाएगा यहाँ पे हमारा विदाउट डिस्क वाला रैग्नारोक? और जवाब है नहीं। तो क्राइस्ट सेटोन तो भाई जीता, मतलब भाई पावर तो ऑब्वियसली बात है कम होनी थी, बस मेरे को तो ये देखना था कि परफॉर्मेंस कैसी होती है इनकी। बस ये कि बर्स नहीं हो सकते, सीधी बात ये है। तो एक बार हमारे लेजेंड स्प्राइजन से भी करके देख लेते हैं। सो 3, 2, 1 एंड लेट रिप। तो भाई भाई साहब क्या ही डैश कह सकते हैं भाई इसको, एकदम यहाँ पे स्टॉप हो गए सीधा जो हिट मारा है यहाँ से हमारे स्प्राइजन को सीधा नॉकआउट। तो कोई नहीं, एक बार और करेंगे। 3, 2, 1 एंड लेट। तो यहाँ पे गाइस स्प्राइजन ने बदला ले लिया अपना लास्ट नॉकआउट, और ये क्या तो बर्ड्स भी हो गया। तो कोई नहीं, एक बार और करेंगे भाई, मजा आ रहा है इनकी बैटल में। तो स्प्राइजन वर्सेस हमारा डायनामाइट बेब्लेड बट विदाउट डिस्क वाला रैग्नारोक। सो 3, 2, 1 और तो भाई नॉकआउट कर दिया, मतलब भाई डायनामाइट बेब्लेड देख रहे हो, डिस्क ना हो तो क्या हाल हो जाता है बेब्लेड का, यही बात है। तो इस पर नेक्स्ट बैटल जो करेंगे वो बेजिल को करके देखते हैं ट्राई। सो 3, 2, 1 एंड लेट्स रिप। और तो भाई काफी खतरनाक स्पीड पकड़ी थी वैसे बस्टर एक्स के लिए इसने,
और यहाँ पे गाइस जीत गया बसर्ट्स के लिए से। वाओ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को ऐसे, बट फिर भी जीत गया। तो कोई नहीं, करते हैं अनदर राउंड एंड 3-2-1 और लेट्स प्ले। और लेट्स प्ले। तो भाई क्या ही हिट था, मतलब क्या ही हिट था सीरियसली बस्टर एक्सकेलेस की तरफ से। बाकी एक बार अपने डायमंड बेलियल की बैटल करके देखते हैं इस बार विजाद बहामत से। सो इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा उसको लेफ्ट स्पिन दूसरे लॉन्चर को, तो हो गया एंड बेस ओवर दिया लॉन्चर के अंदर फिट। सो 3-2-1 एंड गो शूट। और तो भाई मैं तो भूल ही गया था विजार्ड मोहम्मद स्टील स्पिन कर सकता है, वो भी काफी इजीली डायनामाइट बेलियल से। डायनामाइट बेलियल कह रहा हूँ भाई मैं, ये तो साइक्लोन बेलियल है, कुछ भी बोल जाता भाई मैं भी कई बार। और लेकिन नहीं, हमारा साइक्लोन बेलियल जीत गया इससे। तो भाई ये बिबलेट क्या है मेरे को आज तक खुद समझ नहीं आया, रबड़ भी इसके किसी काम के नहीं है, ये मतलब कुछ कर ही नहीं पाता, बेकार है भाई बिबलेट, यूजलेस बिबलेट है भाई ये। कोई नहीं, इसको अगर इसको चाहते हो कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करे, इसको स्टेमिना टाइप बनाने की सोच रहा हूँ भाई मैं, तो कमेंट करना, बनाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टेमिना टाइप विजार्ड बहुमत उर्फ स्टेमिना टाइप बेबलेट एंड 3-2-1 और यहाँ पे भाई नॉकआउट के थ्रू तो भाई ये ऐसे बाहर होते हैं जैसे कि कोई इज्जत ही नहीं है। एंड और यहाँ भाई इस शायद से साइक्लोन बेलियल इससे स्टिल स्पिन कर रहा है, तो पता चल जाएगा वो तो। और हाँ गाइस, बाकी एक बार हम इनकी बैटल आपस में भी करके देख लेते हैं एक दूसरे से। सो लेट्स ब्रेक एंड लेट्स ब्रेक। तो भाई काफी खतरनाक और जानदार सी क्लैश के बाद स्टेडियम में स्पिन कर रहा है अभी भी हमारा रैग्नारोक। तो कोई नहीं, एक और बैटल करेंगे, काफी खतरनाक हिट्स थे दोनों के बीच में, तो क्या कि दोनों के लैंड नहीं है, तो भाई पावर कहीं ना कहीं बैलेंस हो गई आपस में। तो दोबारा से करते हैं इनको लॉन्चर के अंदर फिट एंड 3-2-1 लेट इट रिप एंड लेट इट रिप। तो भाई स्पिन करने जाते छल जाते हैं ये, और इस बार देखते हैं कौन जीतेगा। और इस बार भी 2-0 के स्कोर से है इस बैटल को हमने नाम करता है हमारा रैग्नारोक। तो और भी तो बेबलेट रह नहीं गया गाइस, एक बार एस्टल स्ट्रेंथ भी करके देख ही लेते हैं। तो भाई वो बेचारा सोच रहा होगा मतलब मैं यहाँ पे आया ही क्यों, काहे क्या ही मतलब था मेरे इस बैटल में आके जब मैं वो यूज नहीं करना था। सो लेट्स ब्रेक। क्या था भाई, ये तो आते ही चला गया बेचारा। सो बस गाइस यही आज की वीडियो में, ये थे हमारे विदाउट डिस्क वाले डायनामाइट बेबलेट, जिनकी परफॉर्मेंस तो ऐसी कुछ खास नहीं थी बट बैटल इनकी देखने में थोड़ी सी मजेदार थी। तो आउटर बोलो फटाफट से ब्रो। तो गाइस अगर वीडियो में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, और हाँ इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।